शैंकी कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए प्लानिंग, तो दादी ने सुन ली शैंकी की बात। शैंकी की बातें सुनकर दादी के उड़े होश। आखिर क्या चल रहा है घर में, क्यों गोडाउन को लेकर हो रहे हैं सियापे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। टीवी सीरियल अजूनी में इस समय काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि गोडाउन को लेकर घर में बवाल जो चल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो वही शैंकी कर रहा होता है फोन पर प्लानिंग, तो दादी छिप कर सुन लेती है उसकी बात। आखिर क्या होगा अब आगे, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन से इस सीन की कुछ झलकियाँ। बेसिकली क्या होता है, राजवीर जो भेस बदल के आया हुआ है, तो वो मेरे और मेरे पापा के बीच में हमारी लड़ाई करवाता है। वो मुझे भड़का रहा है उनके खिलाफ और उनको भड़का रहा है मेरे खिलाफ। तो मैं भड़क जाता हूँ, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो फिर मैं उनको गोडाउन में बुलाता हूँ कि आओ तुम्हें मारा, तुम्हारा गेम ख़त्म करता हूँ। मतलब उनको मारने का ऐसा वो है कि समझेंगे नहीं समझेंगे तो उड़ा दूंगा, वो वाला सीन है। ऐसा कुछ है तो सो बेबे, मतलब बेबे हमारी बहुत तेज़ दिखाई गई है, तो बेबे को ना समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ गेम हो रहा है। तो फिर बेबे आती है वहाँ पर हमारे पास कि देखने के लिए क्या कांड करने वाले हैं दोनों लोग, तो वो चीज़ है। हाँ, मतलब बेबे हमें समझा लेगी, हमें रोक देगी और उसके बाद हम एक नया गेम प्लान करते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। मतलब 99% हो जाएंगे, फिर लास्ट का जो 1% रह जाता है वो ही हो जाता है कि नहीं हो पाता फिर। आगे बहुत कुछ है, अभी अजूनी के साथ ये जो शादी वाला चल रहा है शैंकी का, कि शैंकी को शादी करनी है और ऑलमोस्ट होती होती रह जाती है, और शायद होती है वो भी पता नहीं है। नहीं होगी तो नहीं, बट वो दिखाते हैं कि होने वाली है, क्योंकि वो सारा ये प्लान है इन लोगों का प्रॉपर्टी को दोबारा अपने पास लाने का। जी, शैंकी अभी तक तो सफल हो चुके हैं, और फिर ये जो राजवीर पठान बन के आया हुआ है उसमें अभी उनको पता नहीं है, तो शायद वो भी थोड़ी जल्दी में पर्दाफाश हो जाएगा। आप राजवीर के नए लुक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बहुत अच्छी लुक है भाई की, वो सूट कर रही है अच्छे से और बहुत मतलब डैशिंग लग रहा है हमारा भाई उसमें। अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा शो देखते रहो, हमें प्यार देते रहो। कौन है? अरे बेबे क्या कर रही हो आप यार? बेबे हूँ मैं तेरी, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी बेबे पे चिल्लाएगा, वो भी उस दो कौड़ी की लड़की के लिए। सॉरी बेबे, और ना मेरे पैसे तो लग गए थे, अब समझ आ गया। मैं तेरी बेबे हूँ, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। प्रॉपर्टी के लिए तू अपने को पराया कर देगा, अपने बाप को आंखें दिखाता है तो अपने बेबे पे चिल्लाता है। आप जो कह रहे हो ना मैं सब मानता हूँ, लेकिन आप ही मेरी एक बात मानो हैं, हम ना अभी ना प्रॉपर्टी के ना टुकड़े नहीं करते, एकदम मामला ठंडा हो जाएगा ना, और जैसे ही रविंदर सिंह बग्गा मर जाएगा ना हम प्रॉपर्टी बांट लेंगे आपस में, हैं? गल वो नहीं है पुत्र, मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है। बता रही है, सुन रहा है, देख हमें यहाँ से सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होगी, स्लोली किस्माइल आने लगी धीरे धीरे, इसे शादी कर लेना, तू इसे शादी करवाएगी, आओ बेटा जी। टॉले गो, मजे मजे। ओए बीमा, मेरी बात सुन ध्यान से, अपना गोडाउन खाली कर दे, वो का जो करतार है ना उसको भगा दे वहां से, करतार ना उस बुड्ढे की पूछ है, और जब तक मैं ना कहूँ ना गांव के आस पास कोई भी नहीं दिखना चाहिए, समझा मेरी बात? ओए चुप, जितना बोल रहा ना उतना कर, मेरे से जुबान लड़ाने की ना कोशिश मत कर, समझा? टेलीफोन पे शेर पीछे गया, मैं देखा और उसने गन निकाल ली, आज ना पूरा का पूरा गेम ही खत्म। शिफ्ट आगे, शंकी शिफ्ट पीछे, शंकी निकल, शिफ्ट आगे, शिफ्ट।
कुछ तो गड़बड़ है, गोडाउन के नाम पे दोनों भड़के हुए। इससे पहले कि कोई सियाप्पा हो जाए, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। Well, इस सीन को देखने के बाद क्या लगता है आपको कि दादी सच का पता लगा पाएंगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी सीरियल से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते हैं फर्स्ट इंडिया टैली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।